एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी. सो व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सट्रीम वैल्यू, जैसे हमने दोज हु हैव डन इट, दोज हु हैवंट इट्स फाइन, जब हम लोग लॉस डिस्ट्रीब्यूशंस कर रहे थे तो हम लोग लॉसेस किसको बोलते हैं, बेसिकली क्लेम अमाउंट्स को हम लोग लॉसेस बोलते हैं, राइट. तो हम लोग क्या बोलते हैं कि क्लेम अमाउंट लेट्स सपोज फॉलोज एक्सपोनेंशियल. एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कैसा दिखता है, दिस इज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड. अब इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, दिस पोर्शन टेल पोर्शन, इसका ये ऐसे डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है. इसका क्या मतलब है, आप इधर आप एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करते हो, एक्स वैल्यूज क्लेम अमाउंट्स, एंड वाई एक्सिस पे आप क्या प्लॉट करते हो, प्रोबेबिलिटी और फ्रीक्वेंसी वट एवर. तो यहाँ पे वैल्यूज एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ एक्स मतलब हाई वैल्यूज ऑफ एक्स का प्रोबेबिलिटी क्या है, इट्स वेरी लो, है ना. तो यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ एक्स का प्रोबेबिलिटी जिसका बहुत कम है, मतलब कि लेट्स सपोज एक क्लेम अमाउंट आना ऑफ 1 करोड़ इज वेरी लो, उसका चांसेस बहुत कम है. तो हो सकता है एक कंपनी में मे बी 5 साल में एक बार, 10 साल में एक बार ऐसा कोई क्लेम आया हो. तो बहुत कम क्लेम्स ऐसे होते हैं जिनका क्लेम अमाउंट इतना हाई होता है, करेक्ट. तो अगर आपके पास कोई भी चीज का डेटा बहुत कम है तो उसका मॉडल बनाना विल बिकम वेरी डिफिकल्ट. या फिर यहीं पे टू टेक आउट द प्रोबेबिलिटी की क्लेम अमाउंट 1 करोड़ का आएगा विल बी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज द क्लेम अमाउंट इज वेरी स्पार्स, इज वेरी लो. तो इसीलिए इस पूरे चैप्टर में हम लोग ये समझते हैं कि ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ एक्स है इसका हम लोग मॉडल कैसे बना सकते हैं. दिस इज एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी, ठीक है. वेरी इजी चैप्टर, पेपर बी इज ऑल्सो वेरी इजी फॉर दिस. दिस इज वन ऑफ द वेरी इजी एडिशन जो आपके सिलेबस में हुआ है, ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट, कम टू पेज नंबर, चैप्टर 16 पेज नंबर 3, डिफिकल्टीज इन मॉडलिंग द एक्सट्रीम इवेंट. जो भी मैंने अभी बोला वही थ्योरी में लिखा है. सबसे पहला क्या लिखा है, देखो लो फ्रीक्वेंसी इवेंट्स. इसको लो फ्रीक्वेंसी इवेंट्स क्यों बोलते हैं, इसको हम लोग दो तरीके से डिफाइन करते हैं. इसको हम लोग बोलते हैं लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई सिवियरिटी. लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई सिवियरिटी का मतलब है इम्पैक्ट, क्लेम अमाउंट काफी ज्यादा हाई है एज कंपेयर टू द फ्रीक्वेंसी विच इज वेरी लो, ठीक है. सो इसमें क्या क्या है, देखो क्रेडिट क्रंच हाईलाइटेड मेनी डेफिशिएंसीज. जो क्रेडिट क्रंच हुआ था, मतलब कि किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था कि बैंक्स फेल हो जाएंगे, किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था कि कोविड आ जाएगा एंड देयर विल बी अ ह्यूज डाउनफॉल इन द स्टॉक मार्केट. ये सारी चीजें बहुत कम लोगों ने प्रिडिक्ट किया था कि ऐसा कुछ इवेंट हो सकता है इन नियर फ्यूचर. सो फाइनेंशियल रिस्क इवेंट्स सच एज एसेट प्राइस मूवमेंट्स वर ऑफन मॉडल्ड यूजिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस. तो ये पूरा जो समझाया, जस्ट क्विकली एक्सप्लेन इट, जो 4 पॉइंट्स है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या बोलते हैं कि 99.5% का वैल्यू इतना है. लाइक इफ यू टेक दिस एज 99% वाला लाइन, तो ये वाला क्या हो गया, आपका 1% हो गया. हम लोग इस 1% के बारे में बात करें कि इसका कितना चांस है, क्या इसका एक्चुअल में 1% है प्रोबेबिलिटी, नहीं. जैसे आप लोग CM2 किसी ने किया है, इधर CM2 जिसने किया है उसमें आप लोग एक चीज पढ़ते हो जहां हम लोग एसेट रिटर्न्स को मॉडल करते हैं यूजिंग लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, या लॉग रिटर्न्स को मॉडल करते हैं यूजिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये जो आपका एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है, ये थोड़ा मेरा स्क्यू ज्यादा हो गया ऐसा. तो ये आपका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, यहां हम लोग बोलते हैं 0 है स्टैंडर्ड नॉर्मल. तो ये आपके परसेंटेज मूवमेंट, सपोज शेयर 5% मूव किया, शेयर -5% मूव किया, उसका प्रोबेबिलिटी काफी हाई रखा है हमने. विराज शेयर मूविंग अ वेरी हाई विथ अ वेरी हाई परसेंटेज इज वेरी लो विच इज ट्रू. बट एक्चुअल में कितना होता है कि ये जो अपने मूवमेंट्स है इसका प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में ज्यादा होता है और इसका प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में कम है. सो इट्स समवॉट लाइक दिस और ज्यादा स्क्यूड होता है.
रादर देन दिस एक्चुअल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो हम लोग का जो अजम्पशंस होता है कि ना लॉग रिटर्न्स को हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, या हम लोग जो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, टी डिस्ट्रीब्यूशन का अजम्पशन लेते हैं, ये हमेशा सही नहीं होता व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्सट्रीम इवेंट्स. सो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम टेल्स को करेक्टली समझें, क्योंकि अगर 1 करोड़ का क्लेम आ गया, अगर हम वो नहीं पे कर पाए तो कंपनी इनसॉल्वेंट हो जाएगा, विच वी ऑब्वियसली डू नॉट वॉन्ट. ठीक है. सो मेनी टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डेटा पेज 4 टेंड टू बी मोर नैरोली पीक्ड एट द सेंटर. तो जैसे मैंने बोला, देखो नैरोली पीक्ड क्यों, ऐसा देर विल बी मोर नंबर ऑफ डेज, ध्यान से सुनना, देर विल बी मोर नंबर ऑफ डेज विथ स्मॉल मूवमेंट्स इन द शेयर प्राइस, बट देर विल बी लेस नंबर ऑफ डेज विथ हाई मूवमेंट, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैप्चर नहीं करता है. उसके टेल्स थोड़े इधर थिक है एंड ये थोड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है. ठीक है. तो वही चीज बोला है, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा लेप्टोकर्टिक, और क्या था, तीन वर्ड्स थे, मेसोकर्टिक, लेप्टोकर्टिक एंड हाँ प्लेटिकर्प्टिक. ठीक है. तो ऐसा हम लोग के सिलेबस में इतना नहीं है. कर्टोसिस बेसिकली हम लोग बोलते हैं, कर्टोसिस इज बेसिकली द फोर्थ स्टैंडर्डाइज्ड, जिन्होंने एसेट दिया होगा आईएएस, उन्होंने ये सब पढ़ा होगा. कर्टोसिस फोर्थ स्टैंडर्डाइज्ड सेंट्रल मूवमेंट. जैसे हम लोग मीन होते हैं, फर्स्ट M1 बोलते हैं, फिर M2, फिर वैसे ही आपका फोर्थ स्टैंडर्डाइज सेंट्रल मूवमेंट को हम लोग कर्टोसिस बोलते हैं. वन रीजन फॉर दीज फैट टेल्स इज दैट द वोलेटिलिटी ऑफ फाइनेंशियल वेरिएबल्स डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट. अब ये हम लोग क्यों, हेट्रोस्किडास्टिक, हेट्रोस्किडास्टिक बिहेवियर इज बेसिकली जहां हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो वेरियंस है, हम बोलते हैं ना कि शेयर प्राइस फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर. अब आपने जब बोल दिया म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, तो आप बोल रहे हो सिग्मा स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट, कि सपोज सिग्मा स्क्वायर 10% है तो ये 10% रहेगा फॉर द 1 ईयर. बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है. इवन द सिग्मा स्क्वायर चेंजेस विद टाइम, दैट इज हेटरोस्किडास्टिक. होमोस्किडास्टिक इज नो चेंज इन द वेरियंस, वेरियंस रिमेन्स कॉन्स्टेंट. आप लोगों ने कहाँ पढ़ा है हेटरोस्किडास्टिक का कॉन्सेप्ट, कहाँ पढ़ा है, टाइम सीरीज में, जो हमने आर्च मॉडल किया था, दोज हू हैव डन टाइम सीरीज. तो हेटरोस्किडास्टिक, देखो भूल गए, इतना जल्दी जल्दी तुम लोग भूल रहे. हेटरोस्किडास्टिक इज बेसिकली वेदर वेरियंस चेंजेस. ठीक है. वेरियंस डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट. अब देखो पेज 4 में जो नीचे में डायग्राम है, यही डायग्राम है जो इन्होंने डॉटेड लाइन बनाया, दैट इज कॉन्स्टेंट वोलेटिलिटी, मतलब जो मेरा यहाँ पे ब्लू लाइन है, एंड जो मेरा ऑरेंज लाइन बनाया दैट इज वेरिएबल वोलेटिलिटी, जहां पे आप बोलते हो कि आपका वोलेटिलिटी ऑल्सो चेंजेस विद टाइम, इट डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट. पेज 5 में आ जाओ, इन्होंने सेम चीज समझाया, मंथली रिटर्न्स ऑन FTSE इंडेक्स. FTSE 100 क्या है, नॉट गोइंग इन टू मच डिटेल्स, जैसे इंडिया में निफ्टी है, निफ्टी 50, सेंसेक्स है, ये क्या है, ये एक इंडेक्स है ऑफ, निफ्टी इज एन इंडेक्स ऑफ 50 शेयर्स. तो 50 शेयर्स को मिला के डिफरेंट वेट्स लेके उन्होंने एक इंडेक्स बनाया है. ठीक है. एंड अगर निफ्टी बढ़ता है, सेंसेक्स बढ़ता है, हम उसको रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं ऑफ इंडियन इकोनॉमी ग्रोइंग, राइट. सिमिलरली यूके का जो इंडेक्स है दैट इज FTSE 100. ठीक है. तो FTSE 100 इज अ इंडेक्स फॉर यूके, तो इन्होंने उसका मंथली रिटर्न्स दिया है. तो ये जो आपका बार चार्ट्स बनाया है पेज 5 में, दिस इज द FTSE 100 का रिटर्न्स. एंड इसको अगर हम रिटर्न्स को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से अप्रोक्सीमेट करें तो देख लो कैसे आ रहे हैं. इन्होंने यही पॉइंट प्रूव किया है कि जब आप प्लॉट्स ऐसे बना रहे हो, बार्स बना रहे हो, तो बार्स देखो इतने ऐसे निकल रहे हैं बाहर, है ना, ऐसे बन रहे हैं, मतलब वो येलो लाइन, ऑरेंज लाइन वाला पार्ट आ रहा है. बट अगर वही आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से अप्रोक्सीमेट कर दोगे तो वो करेक्ट अप्रोक्सीमेट हमेशा नहीं होता. दैट इज व्हाट दे हैव एक्सप्लेन्ड. इसको पूरा क्विक रीड कर लेना घर पे, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड. नेक्स्ट आ जाओ पेज 6 पे, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी. Fortunately, better modeling of the tails of the data can be done through application of EVT. The key idea of extreme value theory is that the asymptotic behavior, asymptotic कहाँ पढ़ा था आप लोगों ने, CS1 में भी पढ़ा है आप लोगों ने, जहां हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बोलते हैं, it shows a asymptotic behavior. So is that the asymptotic behavior of the tails of most distributions can be accurately described by certain families of distribution. द फ्रेज यहाँ पे देख लो, इन्होंने जो क्वेश्चन लिखा है, एसिम्प्टोटिक बिहेवियर ऑफ द टेल्स को क्या बोलते हैं.
द फ्रेज इज रेफरिंग टू हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन बिहेव्स इन द लिमिट्स. ये हो गया आपका लिमिट, ये हो गया आपका लिमिट, वाई लिमिट, राइट टेल लेफ्ट टेल. हमारे केस में व्हेन वी आर मॉडलिंग द क्लेम अमाउंट्स, कैन द क्लेम अमाउंट गो नेगेटिव? यू ऑब्वियसली कैनॉट मॉडल यूजिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. दैट इज वाई टुक एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपोनेंशियल वेर ऑल द वैल्यूज आर पॉजिटिव. और कौन से डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं जहां खाली पॉजिटिव वैल्यूज मिलते हैं? एक मैंने एक्सपोनेंशियल बोल दिया, लॉग नॉर्मल, ठीक है, और हाँ मार खाएगा, और पॉइजन. बट आप उसको क्लेम अमाउंट के लिए नहीं लोगे क्योंकि वो आपका डिस्क्रीट वैल्यूज है. तो सबसे पहले पॉजिटिव होना चाहिए, एंड दूसरा मोर यूजुअली इट शुड बी अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट वो मैं हम बोल दिया वो परेटो, वेरी गुड, वेबुल, वेरी गुड. तो परेटो, वेबुल, ये जो सबसे ज्यादा कॉमन है जो हमने किया था लॉस डिस्ट्रीब्यूशन वाले चैप्टर में. So the phrase is referring to how the distribution behaves in the limit as a certain parameter, such as the number of observations in a sample tends to infinity. तो जब आप लोग क्या बोलते हो कि using the asymptotic property, है ना, हम लोग normal distribution के लिए बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग generally बहुत सारे t distribution के लिए क्या बोलते हैं, जैसे जैसे आपका n will tend to infinity, t distribution will tend to normal. ठीक है, सो इट इज बेसिकली टेंडिंग टू इन्फिनिटी जब आपका हो जाता है तो क्या होता है, काई स्क्वायर गामा, वेरी गुड. मोर स्पेसिफिकली द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द वैल्यूज एक्सीडिंग अ स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड अंडरलाइन कर देना, कन्वर्ज टू टू पर्टिकुलर फैमिलीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एज द सैंपल साइज इंक्रीजेस. दीज टू फैमिलीज जो हम लोग पढ़ेंगे अपने सिलेबस में इज जनरलाइज extreme value distribution and generalized Pareto distribution. ये दोनों हम लोग के पूरे syllabus में है इनिविटी. What we are talking about? We are talking about this region, tail values. हम लोग बोल रहे हैं कि जैसे हम लोग बोलते हैं values of x will be greater than a threshold value. इस threshold value को threshold exceedance भी बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एक्सीडेंस भी बोलते हैं. तो अगर इससे बड़ा होगा तो जनरली देर आर टू डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें वो कन्वर्ज होगा, या तो आपका क्या लिखा है, जनरलाइज्ड एक्सट्रीम वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन या जनरलाइज्ड परेटो डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे जनरलाइज्ड एक्सट्रीम वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम लोग जीईवी बोलते हैं, GEV distribution. ठीक है, वेरी सिंपल, रीड करते हैं. इफ वी आर डीलिंग विथ लॉसेस दैट हैव टिपिकल साइजेस, दैट इज वन हूज वैल्यू कम फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. टिपिकल साइजेस मतलब जैसे कि एक ऐसा, फॉर एग्जाम्पल कार इंश्योरेंस. ठीक है, सो अगर लेट सपोज कंपनी टाटा AIG या कोई भी कंपनी ले लो, वो कार इंश्योरेंस बेच रहे, तो उसका क्या एक जनरल क्लेम साइज है जो जनरली आता है 1,50,000, क्या जनरल क्लेम साइज है? सो क्या लिखा है कि जनरली हम लोग CLT यूज करते थे ना, जब हम लोग बोलते थे कि n टेंस टू इन्फिनिटी तो हम लोग CLT लगाते थे. तो हम लोग क्या बोलते थे, CLT का क्या मीनिंग है, आप एक्स बार का एक डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हो, मतलब आप मीन, सैंपल मीन का एक डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हो. सैंपल मीन का डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का क्या मतलब है, आपके पास बहुत सारे क्लेम्स आ रहे हैं, सपोज आपके पास 1,000 क्लेम आए एक साल में, तो वो आपका सैंपल सेट हो गया, उसका आप जनरल मीन निकाल रहे हो और उस मीन का आप एक डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हो कि भाई ऑन एवरेज मेरे यहाँ पे जो क्लेम अमाउंट आते हैं उसका ये डिस्ट्रीब्यूशन है. That is what mean का distribution means. X bar follows normal जो हम लोग करते हैं, उसका क्या मीनिंग है कि 1,000 क्लेम आए मेरे पास, उसका ऑन एवरेज, तुम एक इजी भाषा में कैसे बात करते हैं, तुम जब एक दुकान वाले के पास जाएगा तुम उसको क्या बोलेगा कि ऑन एवरेज आपका क्या सेल होता है बताइए, वो आपको क्या बोलेगा? आप मान लो आज डेली सेल, तो आपको बोलेगा लेट्स सपोज मान लो 5,000 to 7,000. He gives you a range of what? Of average sales. So
एवरेज का आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन बता के वो बना के बता रहे हैं. तो वही यहाँ पे लिखा है, दिस टेल्स अस इफ वी कैलकुलेट द मीन ऑफ एन वैल्यूज टेकन फ्रॉम लॉस डिस्ट्रीब्यूशन दैट हैज मीन ऑफ म्यू. एंड मतलब आपका एक्स क्या फॉलो कर रहा है, एक्स का लेट्स सपोज कुछ फॉलो नहीं कर रहा है, इन लोग बोल रहे हैं कि मीन म्यू है एंड वेरियंस सिग्मा स्क्वायर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एक्स बार फॉलोज क्या होता है, म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर बाय एन. तो इसको स्टैंडर्डाइज कैसे करेंगे, यही चीज लिखा है इधर, यही चीज लिखा है. सो हाउ एवर द मोस्ट फाइनेंशियल सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ लॉसेस इज यूजुअली द राइट हैंड टेल. जो मैंने ये वाला बोला, ये आपने बात किया जनरल का, एक उसका ऐसा आ गया सेल कि भाई हो गया 10,000 का सेल, 15,000 का सेल, या एक क्लेम अमाउंट आ गया सीधा मेरा 50 लाख का, ठीक है. तो ऐसा बड़ा बड़ा अमाउंट, दीज आर द एक्सट्रीम वैल्यू. सो इज देयर अ सिमिलर वे ऑफ अप्रोक्सीमेटिंग द टेल वैल्यूज. मतलब ये जो हमने अप्रोक्सीमेट किया, क्या ऐसा तरीका हम लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर द लार्जर वैल्यूज. तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, मैक्सिमम वैल्यूज. ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा, हम लोग करेंगे इसको, इससे पूरा जीवी क्लियर हो जाएगा. सबसे पहला अप्रोच जो होता है वो होता है एक्स एम. एक्स एम बेसिकली कैपिटल एम है ये. एक्स एम बेसिकली क्या होता है, टू फाइंड आउट द मैक्सिमम ऑफ द गिवन सैंपल साइज जो भी आपका है, ठीक है. तो आउट ऑफ 1,000 क्लेम्स विच आई एम गेटिंग, उसमें से व्हाट वाज द मैक्सिमम क्लेम अमाउंट इन द सेट ऑफ एन, कर दो एन क्लेम्स दैट आई एम गेटिंग. इसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक मैक्सिमा. ब्लॉक मैक्सिमा, ब्लॉक मैक्सिमा क्या, मैक्सिमा या मैक्सिमम भी बोल दो, इन्होंने मैक्सिमम लिखा है. इसका क्या मतलब है, आउट ऑफ एन ब्लॉक्स, क्लेम ऑफ एन ब्लॉक्स, ये एन फाइव भी हो सकते हैं, फाइव क्लेम का बॉक्स हम लोग ब्लॉक बना रहे हैं, उसमें से मैक्सिमम मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करें. तो इधर आ जाओ पेज 7 में, जो एग्जाम्पल है उसमें आ जाओ क्वेश्चन में. इसमें देखो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, क्लेम नंबर्स दिए हुए हैं, 60 तक जा रहे क्लेम नंबर्स, एंड क्लेम अमाउंट्स गिवन है. क्वेश्चन में बोल रहे हैं डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्सएम वेदर ब्लॉक साइज इज 5. तो एक बार वापस आ जाओ इधर क्वेश्चन में, आंसर में मत जाओ. अगर हम लोग क्लेम्स ब्लॉक साइज 5 बोल रहे हैं, तो पहला 5 क्लेम में देखो सबसे हाईएस्ट क्लेम क्या है, हाँ 0 102. फिर दूसरे 5 में क्या है, 5 से लेके 10 में, फिर तो ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं. अब क्योंकि 60 क्लेम्स है और आप 5-5 में बांट रहे हो, तो आपके एक्सएम के कितने वैल्यूज आएंगे, 12 तक आएंगे, हाँ ठीक है. ये एक्स 12 लिखना थोड़ा गलत हो जाएगा, बट 12 तक वैल्यू जाएगा. सिमिलरली यू कैन फाइंड एक्सएम वेर यू हैव 10-10 का ब्लॉक. तो पहला 10 में क्या है देखो, फिर दूसरा 10 में, 11 से लेके 20 तक 147. तो ऐसे कितने बनेंगे, 6 बनेंगे, क्योंकि 60 वैल्यूज है. दिस इज ब्लॉक मैक्सिमा, समझ लो. मतलब हमने क्या किया, अपने 1,000 क्लेम्स को 5-5 में बांटा, उसमें से हाईएस्ट हाईएस्ट लिया. अब क्या हम इसका एक डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं एक्स एम का, कैन डू दैट राइट. कमेंट ऑन द ट्रेड ऑफ बिटवीन द ब्लॉक साइज एंड एक्स एम. जब ब्लॉक साइज आपका कम है तो एक्स एम के ज्यादा वैल्यूज मिल रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग फॉर मेकिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज यू हैव मोर वैल्यूज. When the block size is less, which is 5 in this 10 in this case, मतलब sorry, block size ज्यादा है, number of blocks आपको कम मिलेंगे, number of claims XM आपको कम मिलेगा. तो वही लिखा है, देखो इसको read करो, question 2 को read करो, the larger the block size, ये पूरा read करो एक बार.
अगर ब्लॉक का साइज बड़ा होगा जैसे 10, तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स कम मिलेंगे, नंबर ऑफ ब्लॉक्स कम मिलेंगे तो नंबर ऑफ एक्स एम फिटेड वैल्यूज कम मिलेंगे टू मेक अ डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ दैट. अंडरस्टूड द ट्रेड ऑफ? ठीक है. सो इफ वी लुक एट द नंबर ऑफ सच ब्लॉक्स, वी फाइंड द मैक्सिमम वैल्यूज. नाउ कैन वी यूजिंग दिस एक्स एम, कैन वी कैलकुलेट एक्स एम माइनस ए एन बाई बीटा एन, दैट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड यूजिंग सर्टन डिस्ट्रीब्यूशन. तो यहां वही बोला है, वी कैन कैलकुलेट एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म एक्स एम माइनस अल्फा एन बाई बीटा एन, दैट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाई अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर लार्ज इनफ ब्लॉक साइजेस कॉल्ड एक्सट्रीम वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट पेज आ जाओ, पेज 9. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्डाइज मैक्सिमम वैल्यूज. ठीक है. इफ द वैल्यूज आर इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक काम करो, ये लिखना स्टार्ट करो यहां से. लिखो, ये तुम लोग लिखा है क्या? ऐसे एक्सएम लिखा है, एक्सएम को डिफाइन किया है, बस ठीक है, एक्सएम को डिफाइन कर दो. इसके बाद लिखना, इफ वैल्यूज आर आईआईडी, आईआईडी मतलब इंडिपेंडेंट एंड, एक बार कोई क्विकली मेरे को समझा दो इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकल का मीनिंग क्विकली. एनीवन ऑनलाइन? मैम आइडेंटिकल मतलब सारा सेम डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं, इंडिपेंडेंट मतलब सब x1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ x2, सब अलग अलग. वेरी गुड, वेरी गुड. सेम डिस्ट्रीब्यूशन विद सेम पैरामीटर्स फॉलो करेगा, दैट इज आइडेंटिकल. एंड इंडिपेंडेंट का मीनिंग होता है कि आपस में इंडिपेंडेंट है. ठीक है, एक वैल्यू हो रहा है नहीं हो रहा है उससे दूसरा को फर्क नहीं पड़ रहा है. सो लिखना, इफ वैल्यूज आर आईआईडी देन एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स, इसको हम लोग क्यूमुलेटिव फंक्शन भी बोलते हैं, ऑफ द ब्लॉक मैक्सिमा इज पहला 5 वैल्यू में आपने मैक्सिमम निकाला था, तो एक्सएम क्या है? अगर हम बोल रहे हैं कि यह ध्यान से देखो, ये तुम लोग शायद सीएसएन में एक कहीं पे किया होगा कोई सम में, एक्सएम लेस देन इक्वल टू एक्स बोल रहे हैं. एक्सएम क्या है? मैक्सिमम वैल्यू लेस देन एक्स, एक्स इज अ गिवन वैल्यू. सो इफ एक्स इज ओनली ग्रेटर देन योर मैक्सिमम वैल्यू, कैन यू से that all the values x1, x2, x3 has to be less than x? So can you say this? Sorry, ये x होगा. Since all of these are independent, since all of these are identical, very basic, लिख देना bracket में identical कब use किया और independent कब use किया. मैम एक्स एम ग्रेटर लेस देन इक्वल टू एक्स क्यों यूज किया है? मतलब ग्रेटर देन होना चाहिए ना मैम. ये क्या है? ये सीडीएफ है. सीडीएफ में आप कैसे लिखते हो? लेस देन, बस हो गया. ये सीडीएफ ऑफ एक्स एम है मैम. कोई कोई अगर ऐसा वैल्यू है जो सबसे ग्रेट है, मैक्सिमम है, तो वो तो एक्स से बड़ा होगा ना मैम. मतलब सपोज की xm कोई वैल्यू ले रहा है, दिस इज अ वैल्यू विच इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सैंपल, सो यू कैन टेक एनी वैल्यू विच इज ग्रेटर देन xm. अच्छा ओके, सैंपल में नहीं है. ओके आप कैसे, और ये जो आपका xm है आपका कैपिटल xm है, मतलब दिस इज अ नॉट सैंपल, या आप डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हो ना उसका. ओके गॉट इट मैडम. ये मैडम ऐसा CS1 की वो जो PDF था ना उसमें था मटेरियल में एक ऐसा. ये कैसा सब में आप लोगों उसमें क्या हम लोग बोल सकते हैं कि वी कैन गेट
some values of, let's say, suppose alpha 1, alpha 2, set of कुछ कांस्टेंट वैल्यूज हम लोग निकाल सकते हैं, या बीटा 1, बीटा 2, डॉट डॉट डॉट. तो एनी वैल्यूज ऑब्वियसली ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए ये वाला, क्योंकि इससे हम लोग डिवाइड करते हैं ना, एक्स एम माइनस अल्फा बाय बीटा, ऐसे करते हैं. सो ऐसा कोई एक वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा जिससे कि, देखो क्या लिखा है, लिमिट लिखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, एन कर दो इसको, एक्स नहीं, प्रोबेबिलिटी एक्स एम माइनस अल्फा एन बाय बीटा एन लेस देन इक्वल्स एक्स इज एक्चुअली लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी इसका मीनिंग समझते हैं. देखो तो क्या लिखा है यहां पे, अगर हम बोले कि n टेंड्स टू इंफिनिटी का मतलब है कि सैंपल साइज, नहीं आयुष्मान इट्स फाइन, मतलब इट्स वेरी सिंपल कि आप लोग अगर ऐसे भी लिख रहे हो एफ एक्स और आप उसको डिफाइन कर रहे हो कि इट्स अ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द ब्लॉक मैक्सिमम, इट्स फाइन, आपको एक्स एम लिखने का जरूरत नहीं है. यहाँ पे अगर m नहीं लिखोगे तो चलेगा, सीएस वन से बाहर आओ, सीएस टू में आ जाओ. चलो तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी का क्या मतलब होता है, हाँ सैंपल साइज टेंडिंग टू इंफिनिटी, मतलब काफी ज्यादा बड़ा हो रहा है आपका सैंपल, ठीक है क्लियर. अगर आपका सैंपल काफी ज्यादा बड़ा हो रहा है एंड आप उसको स्टैंडर्डाइज कर रहे हो, कैसे, एक्स एम माइनस अल्फा एन बाय बीटा एन, या आप स्टैंडर्डाइज करा आपने उसको, स्टैंडर्डाइज वैल्यू को आप बोल रहे हो लेसन, उसका आप बेसिकली सीडीएफ अगर निकाल रहे हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसका सीडीएफ इज बेसिकली दिस. इसका मीनिंग करो, दिस ओनली डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स. इसका मीनिंग क्या है पढ़ो, इसके नीचे लिखो चैप्टर पेज नंबर 9 में, सॉरी द एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, मिला एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम. द एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम टेल्स अस दैट it is possible to find such values of alpha n and beta n for most of the distributions. ये क्या है, ये अभी हमने यहाँ पे कैसे निकाला, देखो ये आपने एफ एक्स के लिए निकाला, मतलब प्रोबेबिलिटी एक्स एम लेस देन है, इसको मैं हटा देती हूँ, ये गलत हो जाएगा, ये हटा देना एक बार, इसमें खाली इधर ना प्रोबेबिलिटी लिख दो, वो वाला स्टार्टिंग वाला हटा दो, ये जो इधर में एफ एक्स था ना, मैंने शायद इक्वल टू कर दिया था, वो हटा देना, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस, एफ एक्स इक्वल्स ये नहीं लिख सकते, दिस इज प्रोबेबिलिटी एक्स एम लेस देन एक्स विच इज इक्वल टू एफ एक्स होल टू द पावर एन. क्यों, क्योंकि एक्स इज अ वैल्यू विच इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम, सो इट ऑल्सो हैज टू बी, मतलब a value which is greater than all the n values in your sample. Understood? तो ये वाला please हटा देना, मैंने वो लिखा था to explain and फिर वो मैंने equal to कर दिया, वो हटा देना है all of you, नहीं तो गलत हो जाएगा पूरा. तो हम क्या, इसका distribution बनेगा ना, parameters है निकालेंगे. तो प्रोबेबिलिटी एक्स एम माइनस एल्फा एन, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट देख रहे हो, ये है, इससे कंपेयर करो, ये वाला ही है बट इसको अभी आपने क्या किया, स्टैंडर्डाइज किया है. ये अल्फा एंड बीटा एंड अदर पैरामीटर्स विच वी विल फाइंड आउट, ओके. अब ये अगर है तो यहां आप क्या कर रहे हो, अगर हम बोलते हैं ना कि एक्स फॉलोज नॉर्मल म्यू, अभी जो मैंने ऊपर दिखाया, तो कैन आई ऑल्सो से That अगर आप इसमें इधर स्टैंडर्डाइज कर रहे हो तो एक्स एक्स इंटू बीटा एन प्लस एल्फा एन हो जाएगा. सो प्रोबेबिलिटी एक्स एम लेस देन इक्वल्स एक्स इंटू बीटा एन प्लस एल्फा एन हो जाएगा, विच इज वॉट वी हैव रिटन यहाँ पे. यहाँ पे एक्स एम लेस देन एक्स है तो इधर एक्स आ रहा है, इधर दिस इंटायर थिंग लेस देन एक्स है तो उधर ले जाओ, तो एक्स एम लेस देन क्या हो जाएगा,
एक्स बीटा एन प्लस अल्फा एन विच इज दिस, यस इज दिस अंडरस्टूड, एक बार क्विकली यस लिख दो चैट बॉक्स में. इसका सम करेंगे तो क्लियर होगा, ये थ्योरी है. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके. इसका सम देखो, एक्सपोनेंशियल ही लिया इन्होंने पेज नंबर 9 में. एक्स फॉलोज एक्सपोनेंशियल लैम्डा, अल्फा एन है 1 बाय लैम्डा एल एन एन, एंड बीटा एन है 1 बाय लैम्डा फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एन. बाय सब्स्टिट्यूटिंग फॉर अल्फा एन एंड बीटा एन एंड बाय यूजिंग द सीडीएफ, डिटरमाइन द सीडीएफ ऑफ लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब ये सॉल्व करना है पूरा. इसमें प्रोबेबल, इसमें डालो तो वैल्यूज डाल के देखो, तो खुद से बनाओ बिना सोल्यूशन देखे. क्या लिखेंगे? एक्सेप्ट माइनस ये आना चाहिए बेसिकली. इसको सॉल्व करो. एसी? अरे यार, तुम लोग अपना हुडी मत पहन के आया करो. तुम एक काम कर, पीछे चला जाओ, पीछे का एसी ऑन है. अब उसका टेम्परेचर भी कम करना है तो कर लो. नहीं, आगे आ जाएगा ना एक दो जन कोई. क्या तुम लोग क्यों पहन के आए इतना क्लास में? फिर बाहर से खोल के अंदर घुसो. क्लास में नहीं कर सकते भाई, सबका तबीयत खराब हो रहा है अभी. ये तुम लोग को लग रहा है और इसी से तबीयत खराब होगा. नहीं खोल सकते खिड़की, पूरा मच्छर आएगा अंदर. तुम लोग को थोड़ा करना पड़ेगा एडजस्ट, सबका तबीयत नहीं खराब कर सकते. दिस इज इक्वल टू बेसिकली लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एफ, ये पूरा चीज लिख दो ना. बीटा एन इज 1 बाय लैम्डा एक्स प्लस 1 बाय लैम्डा एल एन एक्स. इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, कैसे करेंगे देखो. मैम हाँ एल एन एन होगा। हाँ बोलो. इसको सॉल्व करने की कोशिश करो. एफ एक्स क्या होगा? एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो एफ एक्स क्या होता है? 1 माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स. एक्स की जगह ये पूरा चीज डाल दो और क्या. हाँ लिमिट सब बाहर रहेगा. माइनस लैम्डा यार है क्या? क्या क्या कैंसिल हो रहा है सबके साथ? तो क्या बच रहा है अंदर? एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स माइनस एल एन एन है ना. फिर वापस से उसको खोल दो ब्रैकेट को.
एक बार जाना पीछे, देखो इन्होंने हिंट दिया एक, ईएक्स के लिए क्या लिखा है देखो, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी 1 + x/n होल टू द पावर एन इज एक्चुअली ई टू द पावर एक्स। तो सबसे पहले तो ये बताओ इसका क्या करेंगे, इसको जब खोलेंगे तो क्या होगा, ई टू द पावर -x - ln n है, विच इज माइनस नहीं लिख सकते तुम, ये -1 इधर आएगा, ये वाला जो -1 है इधर आएगा, नहीं तो गलत है, वैसे -n नहीं लिख सकते तुम लोग। हाँ ln n - 1 ये ऊपर आएगा, तभी तो e और ln कटेगा, e और -ln नहीं कटता है कभी भी, याद रखना, सब गलती मत करना बेसिक सा। तो इनटू एन टू द पावर -1 विच इज बेसिकली बाय एन, तो ये पूरा चीज मैंने सॉल्व किया है, -x/n टू द पावर एन। और हिंट में दिया है इन्होंने, ये आई थिंक पेज 3 ऑफ टेबल बुक में भी है, ex इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी 1 + x/n होल टू द पावर एन, है ना। अगर ये हिंट नहीं भी गिवन, IFO में फिर भी सोच सकते हैं कि हिंट आता है, IIM में नहीं आता है, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। पेज 3 में है, पेज 3 है या 6 है, एक बार देख लेना टेबल बुक का जो भी पेज नंबर है। तो इसको हम लोग बेसिकली कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ई टू द पावर आउट ऑफ दिस इज बेसिकली दिस एक्स फॉर अस इज ई टू द पावर -x, सो दिस बिकम्स व्हाट, ई टू द पावर एक्स के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस। क्यों? क्योंकि इधर प्लस है और इधर माइनस है, ये भी चीज का ध्यान रखना है। सो -e^(-x) लिख लो, इसके नीचे लिखना दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज स्टैंडर्ड गंबल डिस्ट्रीब्यूशन, गंबल GUMBEL, गंबल कहाँ किया है, कॉपिलाज में। दिस इज स्टैंडर्ड गंबल, जाके तुम लोग चेक कर सकते हैं गंबल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा दिखता था, गंबल में एक अल्फा वाली होता था ना, जो कि यहाँ पे नहीं है। सो स्टैंडर्ड गंबल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ जेन जीवी डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोग करेंगे आगे, ठीक है। इट्स अ टाइप ऑफ जीवी डिस्ट्रीब्यूशन, जनरलाइज्ड एक्सट्रीम वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन। वर्ड्स बहुत सिंपल है, जनरलाइज्ड एक्सट्रीम वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक्सट्रीम वैल्यू का एक डिस्ट्रीब्यूशन जनरल केस, उसका एक पार्ट है स्टैंडर्ड गंबल, मतलब उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे स्टैंडर्ड गंबल वाज वन टाइप, ठीक है। क्लियर है यहां तक, एनी डाउट। पेज 10 में देखो नीचे में, जीवी डिस्ट्रीब्यूशन मोर जनरली फॉर अ लार्ज क्लास ऑफ अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द डेटा, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड मैक्सिमम वैल्यूज विल कन्वर्ज टू अ डिस्ट्रीब्यूशन कॉल्ड जनरलाइज्ड एक्सट्रीम वैल्यू एज एन इंक्रीजेस। तो इन्होंने क्या बोला कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस में अगर आपका जो ये एन है, ठीक है, इफ दिस एन टेंड्स टू इंफिनिटी, दिस एंटायर थिंग विल टेंड टू अनदर
डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल एच एक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरलाइज एक्सट्रीम वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि यहाँ पे हमने देखा अगर आपका एक्स फॉलोज एक्सपोनेंशियल लैम्डा, अल्फा एन फॉलोज 1 बाय लैम्डा लॉग एन एंड बीटा एन फॉलोज 1 बाय लैम्डा, तो आपका ये पूरा चीज इसको टेंड कर रहा था, ठीक है. दिस इज नथिंग बट योर एच एक्स, दिस इज नथिंग बट योर, ठीक है, ये वाला जो एक्स है ये स्मॉल होगा, ये वाला मैंने कैपिटल्स मतलब कैपिटल्स होगा, ठीक है. तो नेक्स्ट पेज आ जाओ, एक और एग्जाम्पल लिया इन्होंने इसके पहले. द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ जीईवी डिस्ट्रीब्यूशन इज, इसको पूरा लिख लो कॉपी में क्योंकि याद करना होगा आप लोगों को. द सीडीएफ ऑफ जीईवी डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा सीडीएफ ऑफ जीईवी को एच एक्स इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि एफ एक्स हमने ऑलरेडी लिखा है ना, तो एफ एक्स का सीडीएफ, तो मतलब उसको आपने दिखाया वैसे था, तो इसीलिए आप एफ एक्स दोबारा नहीं यूज कर सकते हो. तो दिस विल बी एक्सपोनेंशियल माइनस 1 प्लस गामा होता है ये, एक्स माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा, दिस थिंग टू दी पार माइनस 1 बाय गामा, गामा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड वेयर गामा इज इक्वल टू 0, जहां पे भी कोई फंक्शन दिखता है ना तो डरना मत, जहां पे भी इतने बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं ये समझ जाना कि वो बहुत इजी चैप्टर है क्योंकि उसमें खाली फंक्शन रटना है और कुछ नहीं करना है और उसी के अराउंड सम आएगा, इट्स वेरी इजी. टॉपिक्स लाइक रिस्क मॉडल्स, तो वो इतना इजी था थ्योरी में, बट सम्स कितने डिफिकल्ट थे, इसके सम्स काफी इजी होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें फॉर्मूलाज पुट इन करना और कुछ नहीं. तो IFOE को डेफिनेटली अभी के लिए तो याद नहीं करना है, बट IA नीड्स टू रिमेम्बर ऑल द फॉर्मूलाज. सो दिस डिस्ट्रीब्यूशन कितने पैरामीटर्स दिख रहे हैं, अल्फा बीटा और गामा, तीन, एक्स इज अ वेरिएबल. तो इधर पे आपका जो अल्फा होता है इसको हम लोग लोकेशन पैरामीटर बोलते हैं, बीटा को हम लोग स्केल पैरामीटर क्योंकि आप डिवाइड करो जैसे सिग्मा होता है स्केलिंग के लिए यूज होता है, अल्फा इज लाइक योर मीन जो लोकेशन के लिए होता है जिससे आप अपना पूरा, सपोज आप क्या करते हो जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन में आप एक्स माइनस मीन कर देते हो तो आपका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का लोकेशन चेंज रहता है, यानी कि योर मीन लाइन चेंजेस. एक डिस्ट्रीब्यूशन अगर ऐसा है तो उसका ये मीन अगर आप माइनस कर दोगे तो ये पूरा शिफ्ट हो जाता है ना, वो लाइन नया सा डिस्ट्रीब्यूशन इधर बन गया. बट अगर और शेप, इसको बीटा को हम लोग स्केल क्यों बोलते हैं, इट्स बेसिकली लाइक एक्टिंग एज अ वेरिएंस, ठीक है, एंड शेप लेप्टोकोर्टिक कर्टिक मेसोकर्टिक जो बोलते हैं, शेप कैसा है, कितना स्क्यूड है आपका, ठीक है, दैट इज योर शेप पैरामीटर विच इज योर गामा. द पैरामीटर्स अल्फा बीटा विच इज यूज्ड फॉर रीस्केलिंग, याद है आप लोगों ने स्केल करना पड़ा है, हम लोग स्केलिंग जब बोलते हैं पीसीए में क्या बोलते थे, माइनस मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. सो शिफ्ट एंड स्ट्रेच, आप जैसे मैंने इधर शिफ्ट किया, शेप पैरामीटर सॉरी लोकेशन पैरामीटर थे, स्केलिंग करोगे तो आपका स्प्रेड ज्यादा कम वो आप कर सकते हो. दे आर एनालॉगस टू मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. पैरामीटर गामा इज ओवरऑल शेप, पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड, सिमेट्रिकल, व्हाटएवर. तो अब इन्होंने देखो ये सेम, ये आपका जनरल डिस्ट्रीब्यूशन है, जनरलाइज एक्सट्रीम वैल्यू. अगर इसको हमें इसमें कन्वर्ट करना है विच वॉज गम्बल, स्टैंडर्डाइज गम्बल डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या क्या डालना होगा देखना. अल्फा में 0 करो, करो डाल के देखो, लेट अल्फा इक्वल्स 0, बीटा 1 एंड गामा, मतलब शेप आप 0 ले रहे हो, लोकेशन आप 0 ले रहे हो, स्केल पैरामीटर 1 ले रहे हो, और आप क्योंकि ये 0 है तो आप इसमें पुट इन करोगे,
इसमें पुट इन करो तो देखो क्या आएगा, e टू द पावर माइनस e टू द पावर माइनस एक्स प्लस अल्फा बीटा चले जाएगा. अंडरस्टूड? इसमें कन्वर्ट करने के लिए, इसको इसमें इस फॉर्म में लाने के लिए और कैसे लाओगे? ये तुम्हारा जनरल डिस्ट्रीब्यूशन है. फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा गामा यू विल गेट अ स्टैंडर्डाइज्ड गंबल. जैसे गंबल है आगे जाके और भी एक दो हम लोग और पढ़ने वाले हैं. ठीक है मैम, एक्सपोनेंशियल का लोकेशन जीरो शेप वाला जीरो, इसका लॉजिक या मीनिंग क्या है कि वो पढ़ेंगे, जीरो आगे कैसे है? डायग्राम से पढ़ेंगे. जीपीडी कल करेंगे, ये हम लोग को आज फिनिश करना है जीईवी. ये लिख लिया, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट करें. नेक्स्ट पीडीएफ निकालने बोला है जीवी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ये तुम लोग को घर पे करना है. बट एक बार समझ लेते हैं, पेज नंबर 12 पे आओ. ये घर पे पूरा सॉल्व करोगे. एच एक्स दिया हुआ है विच इज सीडीएफ ऑफ जीवी. पीडीएफ ऑफ जीवी निकालना है तो उसमें देखो क्या करेंगे. सीडीएफ को क्या करते हैं अपने, डिफ्रेंशिएट टू गेट पीडीएफ. ठीक है, सो नाउ इन्होंने क्या कैसे किया है समझ लेते हैं. इन्होंने u एक वेरिएबल बनाया जिसको गामा x माइनस अल्फा बाय बीटा. तो बेसिकली इस पूरे पार्ट को u ले लिया है. ठीक है, एंड 1 प्लस u मतलब ये पूरा, अब 1 प्लस u टू दी पावर 1 बाय गामा को इन्होंने माइनस 1 बाय गामा को इन्होंने v ले लिया. तो अब आपका जो एच एक्स हो जाएगा वो बेसिकली हो जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस वी. ठीक है, उसको डिफरेंस पहले तो एक एक करके किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंस करेंगे, एक्स ऑब्वियसली. तो डी यू बाय डी एक्स अगर करेंगे तो क्या आ रहा है, गामा बाय बीटा आ रहा है. एक्स वाला पार्ट हट गया और अल्फा वाला पार्ट बेसिकली हट गया. डीवी बाय डी यू कर रहे हैं, देख लो क्लियर. अरे स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, चेन रूल लगाएंगे फिर एक बार में. ठीक है, अब इन्होंने किया है डी एच एक्स बाय डी वी. ये स्टेप्स अगर स्किप करके सीधा इधर आ जाओ सो द पीडीएफ इज, उस पार्ट में आओ. ये ऊपर जो किया है ये इजी बनाने के लिए किया है, अगर नहीं भी करोगे तो नीचे करना पड़ेगा वो चीज. ठीक है, सो द पीडीएफ इज एच एक्स इज बेसिकली कैपिटल एच एक्स, ऐसे करते हैं. और पूरा कैपिटल एच एक्स जो है इसको इन्होंने कैसे किया है, तोड़ा है. बाय डीवी इंटू डीवी बाय डीयू इंटू डीयू बाय, अगर इसको नहीं करोगे तो कैसे करना है देखो. ई टू दी पार क्या किया था, माइनस वी किया है ना, बाय डी एक्स. तो इसको अगर पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, वी इज अ वेरिएबल, तो क्या हो जाएगा, माइनस वी को सब्स्टिट्यूट बेसिकली कर देना पूरा, ऐसा आएगा. अब वी सब्स्टिट्यूट होगा तो वो पार्ट बाय पार्ट करने के बदले व्हाट वी हैव, सेम आंसर है. व्हाट वी हैव डन इज वी हैव डन इट दिस वे, सब्स्टिट्यूट कर करके. ठीक है, सो एक एक करके इन्होंने पूरा सब्स्टिट्यूट किया एंड फाइनली व्हाट दे आर गेटिंग ओवर हियर इज, ये पूरा चीज आ रहा है देखो, ये बड़ा सा 1 बाय बीटा 1 प्लस गामा एक्स माइनस अल्फा, ये वाला पार्ट दिख रहा है. ये पार्ट, दिस इज व्हेन योर गामा इज नॉट इक्वल टू जीरो. व्हेन गामा इज इक्वल टू जीरो तो इन्होंने वापस उसको किया नेक्स्ट पेज में एंड उसका भी
देख लो एक आंसर आ रहा है एच एक्स का, ठीक है। तो ये तुम लोग डिराइव करके देख लेना। IFOA स्टूडेंट्स के नॉट एक्सपेक्ट ये डेरिवेशन आए उनके सिलेबस में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ सकते हैं। IAS स्टूडेंट्स कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट कि डायरेक्ट डेरिवेशन आएगा, एच एक्स दे देंगे और स्मॉल एच एक्स निकालने बोलेंगे। कोई है इधर IA का? IA तुम दे रही हो और नहीं, तुम दे रही हो नहीं, और कोई है इधर ऑनलाइन? क्विकली रेज योर हैंड्स। दिशा कसल, क्विकली रेज योर हैंड्स आईए स्टूडेंट्स। सो यू ऑल कैन एक्सपेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम हियर। तो इसको दो बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना, कोई डाउट है तो मेरे से कल पूछ लेना, ठीक है? आज के आज करना है, बिकॉज फॉर न्यू चैप्टर्स यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट गेटिंग अ क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम द मटीरियल, आता है आईए के केस में। क्लियर है? अंडरस्टूड? तुम लोग भी डिराइव करके देखोगे, कोई डाउट आएगा तो मेरे से कल पूछ लोगे, हमने डिस्कस वैसे कर लिया। नेक्स्ट, फ्रेशे, वेबुल एंड गंबल। गंबल हमने ऑलरेडी कर लिया। अब दो और जो टाइप्स हैं ऑफ जीएवी, जीईवी इज बेसिकली फ्रेशे एंड वेबुल, इसको फ्रेशे बोलेंगे। सो हमने आइडियली क्या देखा था, जब आपका गामा वॉज जीरो तो वो क्या बन जा रहा था, स्टैंडर्डाइज्ड गम, एक ही सिंगल एल होता है, स्टैंडर्डाइज्ड गंबल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमिलरली गामा ग्रेटर देन जीरो एंड गामा लेस देन जीरो। गामा इज विच पैरामीटर, शेप पैरामीटर। व्हेन इट इज ग्रेटर देन जीरो तो वो बन जाएगा फ्रेशे टाइप जीवी, एंड जब लेस देन होगा तो वो बन जाएगा वेबुल। ये लिख लो, ये याद करना है तुम लोगों को, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि तुम लोग मटीरियल घुमा घुमा के ये चीज देखोगे। दिस कैन डायरेक्टली कम इन योर आर, जहाँ पे वो प्लॉट करने बोलेंगे। एंड हम लोग आयुष्मान जो तुम्हारा क्वेश्चन था वो डिस्कस करेंगे कि शेप पैरामीटर कैसे सिग्निफिकेंट है। सो कम टू पेज नंबर 14। एक बार खुद से स्टडी करो, देन वील डिस्कस। ए तुम लोग कैमरा में आ रहे हैं सब लोग, मैं वीडियो खराब कर रहे हैं। एक बार बोलना पड़ेगा कितना डांट है, बट तुम लोग बहुत, मतलब दिस इज आफ्टर वेरी लॉन्ग कि मेरा CS2 का बैच रेगुलरली इतना है, आफ्टर आई थिंक 20
वन का जो बैच था, 2020 का बैच था, वो इतना रेगुलर था. आफ्टर दैट तुम लोग ही ऐसा बैच है जो इतना रेगुलर आया एवरी डे. एंड ऑनेस्टली अगर तुम लोग रेगुलरली क्लास में आके पढ़ रहे ना, अब तुम लोग ऐसा हैबिट डाल सकते हैं ये भी एक चीज का कि तुम लोग अब रेगुलरली, बिकॉज अब 3 मंथ्स है, अप्रैल मत काउंट करो, जेवियर्स का एग्जाम होता है और बीच में ऐसे छोड़ दो, 3 एग्जैक्ट मंथ्स है. अब इस 3 मंथ्स प्लीज मेक इट अ हैबिट टू मिनिमम सेल्फ स्टडी 5 आवर्स मिनिमम. ऑनेस्टली जो भी इतना मस्ती मजाक हो गया अब उसको छोड़ो, एक साइड में रखो. मिनिमम 5 आवर्स अगर पढ़ लोगे ना आज से भी, तो तुम लोग का आराम से क्लियर होगा, ठीक है? और प्लीज मेक इट अ हैबिट कि एक चीज पे ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना है. अगर हम लोग नेक्स्ट वीक से जब भी मार्कोव स्टार्ट करेंगे, उसके सम्स देखना थोड़े डिफिकल्ट होते हैं एक बार बनाने में, तो तुम लोग क्या करते हो, बैठ जाओगे लेके 1-1 घंटे, नहीं करना उतना, थोड़ा बैठो समझो, अगर लगे कि नहीं आ रहा है यार अब, तो मूव टू द सॉल्यूशंस, क्योंकि उसमें बहुत सारे सम्स होंगे जो खुद से नहीं बना पाते हम लोग. अभी हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि हम 1-1 सम में 1-1 आवर दे, ठीक है? थोड़ा टाइम देना है डेफिनेटली, बट एक चीज को लेके बैठना नहीं है. एंड अभी अगर पढ़ोगे तो सिलेबस खत्म होगा जैन एंड में या फेब मिड तक मैक्सिमम, उसके बाद हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग. और हम लोग को मेन कौन सा क्वेश्चन सॉल्विंग करना है, रीसेंट टर्म्स का, रीसेंट 4 टर्म का, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आए, तो हम लोग को क्लास में करना है, क्लास में करेंगे पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व. एंड रीसेंट टर्म का पेपर सॉल्व करना है, एक्स असाइनमेंट सॉल्व करना है, वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्स असाइनमेंट सॉल्व करना है. और मटेरियल के चैप्टर के पीछे का जितना क्वेश्चन है, क्योंकि कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, अब IFO कॉन्सेप्ट पे मूव कर रहा है, तो सारा चैप्टर के पीछे जो भी 10-10 क्वेश्चन है, किसी में 4 ही है, किसी में 5, ऑन एवरेज 10 है, तो 10 × 21 210 sums हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है? तो ये टारगेट है, दिस कैन ओनली हैपन अगर आप लोग साथ साथ में मेरे चलो, सिलेबस एकदम एट पार रखो मेरे साथ, ठीक है? और अब से एवरी, इस वीक तो रेगुलर होगा सैटरडे तक क्लास, आजकल परसों तरसों ऐसे करके, एंड नेक्स्ट वीक से वील शिफ्ट टू 4 days a week. तो इस वीक मेरे को आजकल में EVT खत्म करना है, थर्सडे फ्राइडे आई फिनिश मोर्टैलिटी प्रोजेक्शन, सैटरडे आई स्टार्ट विद पेपर बी, मंडे आई फिनिश पेपर बी एंड देन मार्कोव. तो ये मेरे साथ साथ रखोगे तो ही मार्कोव मेरे साथ साथ रहेगा. एंड मार्कोव इज एक्चुअली वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक्स ऑफ एंटायर CST CS2, ठीक है? ये टारगेट रखना है सबको. नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रॉब्ली फ्रॉम वेंसडे वील बी स्टार्टिंग विद मार्कोव चेन, मार्कोव चेन एंड जम्प मिला के आई विल नीड अनदर 15 डेज टू फिनिश द सिलेबस. सो 3rd week of Jan होपफुली वील कंप्लीट, राइट? चलो पेज 14 आ जाओ. पेज 14 में देखो क्या बनाया हुआ है आप लोगों का. गामा 0.5 है, मतलब गामा इज ग्रेटर ग्रेटर देन जीरो. ग्रेटर देन जीरो मतलब फ्रेशर टाइप है, तो उसका देखो अल्फा जीरो लिया है, बट बीटा का वैल्यूज डिफरेंट है. बट एक्चुअली कंपैरिजन अगर एक बार में तीनों डायग्राम्स का करो, बीच वाला डायग्राम इज लेस देन जीरो एंड लास्ट वाला डायग्राम इज इक्वल टू जीरो, क्विकली ग्लांस रखोगे तो एक लग रहा है आपका थोड़ा पॉजिटिवली स्क्यूड, एक लग रहा है आपका नेगेटिवली, और एक ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल दिख रहा है. बीटा इज द स्केल पैरामीटर, तो स्केल जिसका ज्यादा है वो थोड़ा ऊपर की तरफ है एंड उसका टेल लंबा है, टेल उसका लंबा है ऐसा, ठीक है? और डॉटेड वाला आपका थोड़ा ऐसा है, विच इज ऑब्वियसली व्हाट वी एक्सपेक्ट, ठीक है? तो ये हो गया. नेक्स्ट पेज आ जाओ, बीटा चेंज हो रहा है, बीटा छोटा है डॉटेड लाइंस का, सॉरी ज्यादा है, ठीक है? विच इज द स्केल पैरामीटर. नेक्स्ट आ जाओ नेक्स्ट पेज में, पेज 15 में देखो क्या लिखा है, कमेंट ब्रीफली. सो व्हेन ऑन द फ्रेशे वेबुल एंड गंबल टाइप, फ्रेशे ग्रेटर देन जीरो, गंबल इक्वल टू जीरो, वेबुल लेस देन जीरो, ये हमेशा याद रखना. व्हेन ग्रेटर देन जीरो एक्स इज बाउंडेड फ्रॉम बिलो, बाउंडेड मने बाउंडेड का क्या मीनिंग होता है, व्हेन
गामा इज ग्रेटर देन जीरो बाउंडेड फ्रॉम बिलो का क्या मतलब है, बिलो का वैल्यू आपको गिवन है, देर इज अ कन्वर्ज हो रहा है, ये आपका चलते जा रहे हैं बाउंडेड फ्रॉम बिलो और ये आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है। सिमिलरली देखो ना नेक्स्ट सेकेंड डायग्राम में देखो, सेकेंड डायग्राम ऐसा बना हुआ है, ऐसे पूरा स्ट्रेट हो गया। सो बाउंडेड फ्रॉम अबव एंड व्हेन जीरो है गामा, इट इज बोथ साइड में इट इज अनबाउंडेड, मतलब देर इज चलते जाएगा, आपका कुछ प्रोबेबिलिटी वैल्यूज के लिए मिल जाएगा, ठीक है? हाँ करेक्ट, ओके। नाउ वील एल्जेब्रिकली एक्सप्लेन, ये आपका डायग्राम हो गया। गंबल हमने ऑलरेडी कर लिया है, गंबल के केस में हमने देखा था गामा जीरो है, अल्फा बीटा दोनों जीरो है, सॉरी अल्फा एंड गामा जीरो है, बीटा वन है, तो आपका ये आ रहा था गंबल टाइप। अब फ्रेशे के लिए देखो, लिख लो हेडिंग दो फ्रेशे, फ्रेशे टाइप जीवी, इसमें आपका एच एक्स दिया हुआ है, पीडीएफ दिया हुआ है, बेसिकली मैं लिख नहीं रही हूं, बट वो जो पीडीएफ है ये पीडीएफ हमने ऑलरेडी इधर डिराइव किया है, ये वाला, ठीक है? ये आपका जनरल एक्सट्रीम वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन है। इन ऑर्डर फॉर द पीडीएफ टू बी नॉन नेगेटिव, फ्रेशे में क्या देख रहे हैं, नेगेटिव नहीं है ना, ऐसे जा रहे हैं, वापस से पेज घुमा के देखो पॉजिटिव है। सो एंड अगेन व्हाट डू वी एक्स, हाउ कैन वी से इफ एक्स इज एक्सपोनेंशियल, या दैट वाज जस्ट टू प्रूव खुशी, दैट वाज अगर आपको कैपिटल एच एक्स दिया हुआ है ऐसा, इसको अगर आपको गंबल में कन्वर्ट करना है, मतलब इसमें कन्वर्ट करना है, तो क्या पुट इन करेंगे पैरामीटर्स, तभी इसको जनरल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं और इसको स्टैंडर्डाइज्ड बोलते हैं, मतलब स्टैंडर्ड बोलते हैं, सॉरी नॉट स्टैंडर्डाइज्ड, अंडरस्टूड? तभी ये जनरल फॉर्म है, उस जनरल फॉर्म में क्या क्या वैल्यूज अल्फा बीटा गामा का डालें टू गेट गंबल। अब यहां देखो PDF is always what? PDF is always positive. So this always has to be a positive figure. ठीक है? So in order for the PDF to be non-negative, we require the expression to be positive. कौन सा expression? This and this both. ठीक है? Since एक exponential के बाहर है और एक exponential के, अच्छा ये जो हम लोग प्रूव कर रहे हैं ये हम लोग गामा नॉट इक्वल टू जीरो के लिए कर रहे हैं, मतलब इससे आपका फ्रेशे और वेबल दोनों हो जाएगा। गंबल में गामा वाज जीरो तो उसका एच एक्स का अलग इक्वेशन आ रहा था, कौन सा आ रहा था, वाज गिवन इन योर पेज नंबर 13, उधर एक्स माइनस ए बाय बीटा वैसा आ रहा है पूरा। सो सिंस गामा इज ग्रेटर देन जीरो हियर, दिस रिजल्ट्स इन अ लोअर बाउंड on the values that x can take, मतलब कि 1 plus gamma x minus alpha, ये इधर ऐसे नहीं लिखो, नीचे मैं लिख रही हूं, 1 plus gamma x minus alpha by beta greater than 0, क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि गामा जीरो ले रहे हैं, ग्रेटर देन जीरो ले रहे हैं, तो क्योंकि गामा ग्रेटर देन जीरो ले रहे हैं द रिजल्ट्स इन अ लोअर बाउंड विल बी लाइक दिस। तो आपका क्या दिया हुआ है देखो, फाइनली इन्होंने जो पूरा डिराइव किया है, एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा माइनस बीटा बाय गामा, उधर चले जाएगा ना वन माइनस होके, माइनस वन उधर चला जाएगा, बीटा चला जाएगा ऊपर, तो माइनस बीटा हो गया, माइनस बीटा बाय गामा हो गया एंड प्लस अल्फा हो गया, तो ये आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्या बोल रहे हैं, प्रेशर टाइप जीवी डिस्ट्रीब्यूशन टेंड टू बी दोज मोस्ट सूटेबल फॉर मॉडलिंग एक्सट्रीम वैल्यू लॉस इवेंट्स, ऑब्वियसली क्योंकि आप लोअर बाउंड बोल रहे हो ना, बाउंडेड फ्रॉम बिलो है, देर इज दिस इज बिकॉज देर इज नो अपर बाउंड, एंड लॉस में वही होता है, क्लेम अमाउंट में देर इज नो अपर बाउंड, एनी अनलिमिटेड क्लेम वी कैन गेट।
pressure type GV distributions have a heavier upper tail, that is tail that decays more slowly to zero than other GV distribution. Heavy tail ka meaning kya bola hai? Heavy tail ka kya matlab hota hai? Probability of having extreme values, extreme upper side values is high. So when you compare the three distributions, what do you see? Ki sabse zyada probability of having high values is 200, 150 jo hai, is for the fresher type. So this is mostly used for modeling claim amounts, jahan pe hum ek upper limit, kuch hota nahi hai hamara upper limit as such. Theek hai? To wahi bola hai. And then isko kaise prove kiya, dekho. Ye jo pura part hai. So ये वाला जो फैक्टर है इसमें टू फैक्टर्स में डिवाइड किया, एक ये वाला फैक्टर और एक ये वाला फैक्टर. तो ये वाला जो फैक्टर है सेकंड वाला, दिस विल टेंड टू वन एज एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी. कैसे? एज योर एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, ये वाला पार्ट इफ टेंड्स टू इंफिनिटी, ये पूरा विल टेंड टू इंफिनिटी. ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी, टू द पावर माइनस समथिंग. तो इंफिनिटी, एनीथिंग टू द पावर इंफिनिटी इज इन्फिनिटी. ठीक है, तो ए टू द पावर माइनस इन्फिनिटी विल टेंड टू, एक सेकेंड रुको, इसमें गलत, गामा हमने ग्रेटर देन जीरो लिया है ना, तो ये पूरा आपका इन्फिनिटी है. इन्फिनिटी टू द पावर वन बाय, एंड गामा इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये आपका नेगेटिव है. तो ये हो जाएगा वन बाय इन्फिनिटी, है ना? तो e टू द पावर माइनस जीरो, मतलब जीरो हो गया तो वन हो गया. देखो इसको क्लियरली समझो. ठीक है, गामा ये पूरा माइनस हो गया ना, फिर अगर ग्रेटर देन जीरो है तो एनीथिंग टू दी पार माइनस कुछ होता है तो वो वन बाय हो जाएगा ना. तो वन बाय इन्फिनिटी इज, अरे ये पूरा पार्ट इन्फिनिटी है, टू दी पार नेगेटिव, वन बाय इन्फिनिटी. तो वन ई टू दी पार वन बाय इन्फिनिटी. क्लियर है सबको? इफ एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस एंटायर इक्वेशन विल टेंड टू. सेकेंड वाला जो इक्वेशन ये वाला है, इधर पे अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी तो क्या होगा, देखो ये पूरा अगेन विल टेंड टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू द पावर नेगेटिव वन बाय इन्फिनिटी विच इज जीरो. सो हियर इफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस इज टेंडिंग टू जीरो एंड दिस इज टेंडिंग टू वन. हो क्या रहा है समझना? पीडीएफ है मेरा, x का वैल्यूज फॉर वेरी हाई वैल्यूज ऑफ x क्या हो रहा है, एक साइड ऑफ आपका पीडीएफ वन के टूवर्ड्स लेके जा रहे हैं, एक साइड ऑफ द पीडीएफ कहां लेके जा रहे हैं, जीरो के टूवर्ड्स. तो इसीलिए क्योंकि आपका पीडीएफ दोनों अलग अलग साइड्स पुल कर रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज डीकेइंग स्लोली टू जीरो. वो पूरा जीरो एक बार में नहीं हो रहा, क्योंकि वो यहाँ पे एक आपका वन का भी एलिमेंट है, इट डीकेज स्लोली टू जीरो, वही लिखा है. इट डीकेज इन अकॉर्डेंस विथ वॉट इज नोन एज द नेगेटिव पावर लॉ, दैट इज इन प्रपोर्शन टू एक्स टू द पावर माइनस के. माइनस के बेसिकली हियर इज माइनस वन बाय इन्फिनिट गामा, वे गामा इज ग्रेटर देन जीरो. तो ये पूरा अगर हम लोग भूल जाए, क्योंकि हमारा मैथ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वॉट वी आर ट्राइंग टू से, सिंस द पीडीएफ वन साइड इज पुलिंग टू जीरो, वन साइड इज पुलिंग टू वन, तो जैसे जैसे आपका x का वैल्यू ज्यादा हो रहा है, दिस पार्ट इज गिविंग यू अ स्ट्रॉन्गर पुल एंड वो जीरो के टूवर्ड जा रहे हैं, बट नॉट एग्जैक्टली जीरो, ग्रेजुअली डीकिंग टू जीरो. अंडरस्टूड? क्लियर? ये पूरा मीनिंग है जो हो सकता है एग्जाम में आए टू एक्सप्लेन. इसको रीड कर लो, देख लो, कोई डाउट है तो पूछो.
ठीक है, नेक्स्ट वेबुल टाइप में चलते हैं। अब वेबुल टाइप में क्या बोल रहे हैं, अगेन सेम एच एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन, एंड वेबुल में हमने क्या पढ़ा है, इट इज बाउंडेड फ्रॉम अबव एंड गामा इज लेस देन जीरो। तो इसी केस में आ जाओ वापस, पहले इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो वन प्लस गामा एक्स माइनस अल्फा बाय बीटा, इन ऑर्डर फॉर द पीडीएफ टू बी पॉजिटिव वी रिक्वायर दिस एंटायर थिंग नीड्स टू बी पॉजिटिव, है ना। ये हमने पूरा देखा है कंडीशन, ये पॉजिटिव होना पड़ेगा, ये पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी ये पूरा पीडीएफ हमारा पॉजिटिव रहेगा, नहीं तो वो नेगेटिव चला जाएगा। क्यों, नेगेटिव टू द पावर नेगेटिव, नेगेटिव हो गया, एंड यहाँ पे नेगेटिव मतलब ये टू द पावर नेगेटिव है ना, तो वो भी नेगेटिव चला जाएगा इसीलिए। तो यहाँ पे गामा लेस देन जीरो है, दिस रिजल्ट इन एन अपर बाउंड ऑन द वैल्यूज ऑफ एक्स। कैसे, अगर गामा लेस देन जीरो कर रहे हो और ये पूरा पॉजिटिव कर रहे हो, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, गामा एक्स माइनस अल्फा बाय बीटा ग्रेटर देन माइनस वन, माइनस वन उधर जा रहे हैं, फिर एक्स माइनस अल्फा बीटा भी उधर ले जाओ। अच्छा एक सेकेंड, एक एक करके करते हैं, माइनस वन बीटा उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बीटा, और इधर आ गया गामा। नाउ सिंस गामा इज नेगेटिव तो आपका साइन चेंज होगा, जब आप ये नेगेटिव वैल्यू है ना, तो आप जब नेगेटिव वैल्यू उधर लेके जाते हो तो आपका साइन चेंज होता है, पढ़ा है ना ये चीज, जब आप नेगेटिव वैल्यू उधर लेके जाते हो तो आपका साइन चेंज, या तो आप ऐसे करो आप दोनों साइड नेगेटिव मल्टीप्लाई करो, सो इट्स लाइक चेंजिंग द साइन। तो अब हो गया एक्स इज लेस देन अल्फा माइनस बीटा बाय गामा, इधर आपका एक्स इज ग्रेटर देन आ रहा है सम वैल्यू, इधर आपका एक्स इज लेस देन सम वैल्यू आ रहा है, तो फ्रेशे में लेस देन सम वैल्यू तो आपका बाउंडेड फ्रॉम बिलो हो गया, मतलब ये इससे ऊपर रहेगा आपका एक्स, और यहाँ पे इससे नीचे रहेगा आपका एक्स, सो बाउंडेड फ्रॉम अबव। क्लियर है मीनिंग बाउंडेड फ्रॉम अबव बाउंडेड फ्रॉम बिलो का? तो एक्चुअली जो हमने वहां पे किया था ना एक्सटेंडिंग टू इनफिनिटी, वो हम लोग यहाँ नहीं करेंगे, बिकॉज डज नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि बाउंडेड फ्रॉम अबव बोल रहे हैं, तो डज नॉट मेक एनी सेंस कि आप एक्सटेंड टू इनफिनिटी का देख रहे हो कुछ। अगर हम लोग नेक्स्ट गंबल का देखें, ये क्लियर है, तो गंबल का तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ही अलग है, गंबल का आपका सीडीएफ का पीडीएफ का डिस्ट्रीब्यूशन ही पूरा अलग था, which is given on page number 13 derive किया है, और page number 16 में भी इन्होंने लिखा है। अच्छा वो टेस्ट वाला आइडिया कैंसिल है, जो मैंने बोला था ना जनवरी में एक टेस्ट लेंगे, हाँ होगा होगा होगा, तुम उसको टारगेट बना ले कि मेरे को 14th तक मार्कोव को छोड़ के सब खत्म करना है, पेपर ए पेपर बी रिवीजन नोट्स एवरीथिंग, 14th को है तो 14th तक मेरे को सब खत्म करना है, ये टारगेट बना लो, तो फिर उस दिन तुम पूरा दिन आएगा तुमको खराब ही नहीं फील होगा, एक एक पॉइंट पे भी खराब नहीं फील होगा कि हम आए हैं पूरा दिन अपना लगा के।
हाँ क्या बोल रहे है? अभी तक नहीं होगा ना, अभी तो जनवरी स्टार्ट हुआ है, अभी वो हिट ही नहीं किया तुम लोगों को। कॉलेज डिले हो गया ना तुम लोग का, 8th से खुल रहा है ना। क्यों क्या बोला, क्यों? पर क्यों, कोई रीजन है क्या? कोई रीजन नहीं है, खाली डिले की है। अरे हम जस्ट रीजन पूछ रहे हैं, मेरे को तो खुशी है, हम टाइमिंग कभी भी रखेंगे ऐसे ही। सोचो जो अपना वेकेशन बना, एग्जाम है सीए उसके लिए, फाउंडेशन सीए फाउंडेशन के लिए नहीं करेगा कॉलेज। तो इन इस केस में क्या है, दोनों तरफ डीकेस ग्रेजुअली टू, उसके बाद तुम लोगों का क्या टाइमिंग रहेगा 6th सेम में? 6th सेम किसका इधर? एनीवन फ्रॉम 6th सेम जेवियर्स? अरे कोई है क्या इधर? कोई नहीं है तो फिर क्या टेंशन है मेरे को? बस हो गया, तुम लोगों को गॉसिप नहीं करना था भाई, गॉसिप नहीं करना है, रुक जाओ। दिस हैज अ टेल दैट डीकेज एक्सपोनेंशियली, बोथ साइड हम लोग का जो टेल है वो एक्सपो, कितना तुम लोग का माइंड फिकल है ना, एक टॉपिक आया और तुम लोग पूरा डाइवर्ट हो गए, और फिर तुम लोग बोलते हो हम लोग पढ़ नहीं पाते, कितना बात करोगी? दिस हैज अ टेल दैट डीकेज एक्सपोनेंशियली ऑन बोथ द साइड्स, द डीके इज मोर रैपिड देन दैट ऑफ द फ्रेशे फॉर बोथ द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो अगर हम लोग इधर जाएं, अगर सेम वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा इस डायग्राम में देखे पेज 14 में, तो डीके सबसे ज्यादा दोनों तरफ लेफ्ट साइड एंड राइट साइड गंबल में ज्यादा फास्टर डीके है। इफ अल्फा इज 0 एंड बीटा इज 1, दिस पीडीएफ विल बिकम स्टैंडर्ड गंबल। ठीक है, एक होता है गंबल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम पढ़ रहे हैं, गंबल टाइप जीवी, फ्रेशे टाइप एंड वेबल टाइप। स्टैंडर्ड गंबल कौन सा, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और स्टैंडर्ड नॉर्मल होता है ना, वैसे ही स्टैंडर्ड गंबल कब होगा, जब आपका अल्फा 0 एंड बीटा 1, और इस केस में इन जनरल ही ये 0 है। सो देयर इज अ डिफरेंस, अंडरस्टूड? सो जीवी को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फ्रेशे, वेबुल, गंबल। फ्रेशे में गामा एंड बाउंडेड ऑन द लोअर साइड, वेबुल में लेस देन 0, बाउंडेड ऑन द अपर साइड। ये कंफ्यूज मत होना, अब एग्जाम में क्या होता है कि क्योंकि लेस देन 0 है तो हम लोग को लगेगा बाउंडेड फ्रॉम बिलो, ये नहीं, ठीक है? और गंबल में क्या होता है, दोनों तरफ अनबाउंडेड है, बट डीके इज वेरी फास्टर एज कंपेयर टू द टू। सो ये इंपॉर्टेंट है कि इस केस में डीके फास्टर होता है एंड गामा इज 0। अब क्योंकि हमने तीनों पार्ट्स पढ़ लिए, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ जीवी डिस्ट्रीब्यूशन, की कौन सा जीवी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर आप लोग कोई डिस्ट्रीब्यूशन दे दे तो बताओ फ्रेशे है, वेबुल है, कंबल है, क्या है। सो इफ वी नो द फॉर्म ऑफ द अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज पॉसिबल टू वर्क आउट द लिमिटिंग। तो क्या क्या तरीके से पता चल सकता है लिमिटिंग बिहेवियर? लोअर साइड बाउंडेड है फ्रेशे, अपर साइड बाउंडेड है गंबल, तो अगर दोनों साइड बाउंडेड, सॉरी वेबुल, अगर दोनों साइड बाउंडेड नहीं है तो गंबल, तो ये अलग अलग, अगर सपोज मैंने बोला एक्स फॉलोज एक्सपोनेंशियल, एक्स फॉलोज बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स फॉलोज पाइटो डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक्स मतलब कौन सा, क्लेम अमाउंट, तो बताओ जीवी क्या होगा, मतलब एक्सट्रीम वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा उसका, समझ रहे हो? तो वही चीज इधर लिखा है कि अगर हम लोग लिमिटिंग वाला चीज समझ जाए तो हम लोग के लिए इजी हो जाएगा, वी कैन देन यूज द अप्रोप्रिएट मेंबर ऑफ जीवी फैमिली टू मॉडल द टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, आपका पूरा एक्स का इंटायर क्लेम अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि दिया हुआ वही रहता है, फिर उसको यूज करके हम टेल का बनाते हैं,
और ये जो अभी तक हमने पढ़ा दैट वाज टेल, कहां से स्टार्ट किया हमने, ब्लॉक मैक्सिमा से, ब्लॉक मैक्सिमा लिया, ब्लॉक मैक्सिमा एक्सएम, वहां से हमने उसका लिमिटिंग बिहेवियर देखा कि इफ एन टेंस टू इंफिनिटी तो उसका लिमिटिंग बिहेवियर क्या होगा, एंड उससे हमने फिर जीईवी बनाया. अंडरस्टूड? स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ब्लॉक मैक्सिमा, उससे एक्सएम का वैल्यूज आया, उससे हमने जीईवी बनाया. क्लियर है? अंडरस्टूड टिल हियर? एनी डाउट? पूरा रिलेट कर दो स्टार्टिंग से लेके एंड तक. इधर एक टेबल है पेज 17 में, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है. द अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन, एंड आईएएस स्टूडेंट्स नीड्स टू रिमेम्बर दिस, अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन विल डिटरमाइन विच ऑफ द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीवी विल अराइज एज इंडिकेटेड इन द टेबल बिलो. द थ्री टाइप्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द साइन ऑफ द शेप पैरामीटर एंड आर नेम्ड आफ्टर द ऑर्डिनरी डिस्कवरर्स. तो क्या बोले, देखो द शेप पैरामीटर, अंडरलाइन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, जो आपका एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है पूरा, ओवरऑल एक्स, सारा एक्स. तो अगर अगर वेबुल वाले में आ जाओ खाली, अगर आपका अंडरलाइन डिस्ट्रीब्यूशन बीटा है, यूनिफॉर्म है या ट्रायंगुलर, हम लोग के सिलेबस में ट्रायंगुलर नहीं था कभी भी, अगर ये सब डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो वेबुल हो जाते हैं. उसका जीवी क्या हो जाता है, वेबुल. उसका जीवी क्या हो जाता है, एक्सपोनेंशियल ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है. X follows exponential lambda, alpha n, beta n, and then it followed Gumbel. तो exponential आते हैं आपके Gumbel में. Chi square, gamma, log normal, normal, Weibull. All of these fall under Gumbel. And Frechet में Burr, F, ये log gamma अलग है. एक होता है log gamma, एक है log gamma. ये अलग है, जैसे log normal होता है वैसे log gamma. ये थोड़ा different है, हम लोग देखेंगे. आप लोग के सिलेबस में उतना है नहीं. तो परेटो एंड टी, ये सारा हो जाएगा तो आपका वो फ्रेश है. एंड दैट इज वाई अगर आपका, हम बोलते हैं कि एक्स फॉलोस परेटो, तो उसका जीवी हो जाएगा फ्रेश है, नॉट बाउंडेड या फिर बाउंडेड फ्रॉम बिलो. ठीक है. रेंज ऑफ वैल्यूज परमिटेड, वेबुल में हमने ऑलरेडी ये वाला चीज निकाल लिया था, एक्स लेस देन अल्फा माइनस बीटा बाय गामा. गंबल में कोई वैसा नहीं है, माइनस इनफिनिटी अनबाउंडेड है, एंड फ्रेश में ये वाला. ठीक है. मैथमेटिशियंस हैव आइडेंटिफाइड क्राइटेरिया दैट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन व्हिच फैमिली अ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन बिलोंग्स टू. तो अगर ये सपोज टेबल पूरा बना दिया, अगर तुम लोगों को टेबल नहीं याद तो कैसे समझ सकते हैं. पहला, द अंडरलाइन डिस्ट्रीब्यूशन दैट हैव अ फाइनाइट अपर लिमिट्स. जैसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म 0,100, तो लोअर लिमिट फाइनाइट है, अपर लिमिट भी हम लोग फाइनाइट कर रहे हैं. तो अपर लिमिट जहां आप फाइनाइट कर सकते हो वो वेबुल बन जाएगा. ठीक है. आर वेबुल टाइप, जहां पे आप फाइनाइट अपर लिमिट दे सकते हो. ऑल्दो आप लोअर लिमिट भी फाइनाइट दे सकते हो, मेरे को पता है तुम्हारा फेस समझ आ गया तुम्हारा क्वेश्चन, बट लोअर लिमिट आप बहुत केसेस में फाइनाइट दे सकते हो, क्योंकि इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड वन वेरी वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट. लोअर लिमिट इज ऑब्वियसली जीरो फॉर ऑल द क्लेम अमाउंट. सो वेन यू आर मॉडलिंग अ क्लेम अमाउंट एंड योर क्लेम अमाउंट एक्स underlying distribution of x will always be something which is positively skewed, which is greater than zero. So it's very basic to understand ki jab ye claim amount ka baat kar rahe hai, jo ki hum log yahan kar rahe hai, it will obviously be zero. Lower bound will obviously be, hai na, to agar upper bound kahin bound kar sakte hain, that becomes your fable. Samjha logic? तो तुम लोग को जो भी क्वेश्चन आते हैं ना माइंड में, तुम लोग ये मत सोचा करो बुक गलत है या मैम गलत पढ़ा रही है, ये सोचो कि मैं ही गलत हूं कहीं, मेरा लॉजिक गलत है. लाइट टेल डिस्ट्रीब्यूशन, लाइट टेल माने क्या, टेल का, तो ये सोच के क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए, टेल मतलब गंबल ना, क्योंकि गंबल में डीके बहुत फास्ट हो रहा है दोनों साइड में. सो लाइट टेल होगा दोनों साइड में. So light tail distributions have finite moments of all orders. Finite moments मतलब moments क्या, m1, m2, central moment, mean, standard deviation, ये सब आगे आगे जो जाते हो. तो m1, m2 जो भी finite moments होंगे, मतलब
गिवन होंगे मोमेंट्स, इन्फिनिटी के क्लोज नहीं होंगे. जस्ट लाइक एक्सपोनेंशियल, नॉर्मल, लॉग नॉर्मल, इसका टेल क्या होता है, बहुत डीके हो जाते हैं क्लोजली टू जीरो. नॉर्मल का भी बहुत जल्दी जीरो हो जाते हैं. तभी हमने ऊपर में जो सबसे फर्स्ट मैंने डायग्राम बनाया था, मैंने क्या बताया था कि ये जो हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ते हैं, दैट इज अ नॉट वेरी गुड अप्रोक्सीमेशन फॉर एसेट प्राइसिंग. सो दिस इज गंबल एंड हेवी टेल डिस्ट्रीब्यूशन विल बी फ्रेश बिकॉज इसका अपर टेल इज अंडरस्टूड. तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन में अपर बाउंड, अगेन ये थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है, तो इसीलिए इट्स बेटर टू रिमेम्बर दिस. बट उतना क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते कि आपको इतना डायरेक्टली निकालने कुछ बोले. नो हाँ, शेप ऑफ अंडरलाइन में है ना, तभी तो हमने बोला अगर अंडरलाइन डिस्ट्रीब्यूशन में अपर लिमिट है तो आप उसको वेबुल बना सकते हो, वेबुल टाइप जीवी है टू सम एक्सटेंट. खुशी पूरा नहीं बोल सकते, टू सम एक्सटेंट. अब इसमें आ जाओ पेज नंबर 19 के क्वेश्चन में, वो तुम लोग रीड करेगा घर पे, उसमें कुछ है नहीं पढ़ाने का. रीड करके नहीं, पेज 18 रीड करके नहीं समझ में आए कल पूछ लेना, कल ही पूछ लेना, मतलब 10 दिन बाद नहीं, जब मार्क ऑफ करेंगे और अचानक से कोई उठेगा सो के. ठीक है, आओ इसमें आओ. इसमें क्या बोल रहे हैं देखो, ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेंगे अभी. स्टार्टिंग विद द रिजल्ट दैट फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ एन, क्या दिया हुआ है, एक्स एम माइनस शो दैट एक्स एम stating the values of alpha dash, beta dash, gamma dash by considering the CDF of xm minus alpha n by beta n and xm or otherwise. तो basically क्या बोल रहे हैं, एक बार quickly go through करते हैं, फिर तुम लोग कर लेना solution, quickly go through करते हैं. Our starting point is the result in the question, ये जो हम लोग का starting point रहेगा, ठीक है, solve करने के लिए. अब हम लोग यहाँ consider करते हैं दो केस, गामा इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो. तो जब नॉट इक्वल टू जीरो है उसके लिए क्या होगा, देखो प्रोबेबिलिटी एक्स एम माइनस अल्फा एन बाय बीटा एन इज लेस देन इक्वल्स एक्स, जो कि हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, हमने एक्सपोनेंशियल वो जो पूरा पार्ट है, ये वाला जो दो ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है, सी डी एफ ऑफ जी वी एच एक्स, सी डी एफ ऑफ जी वी था ना ये, तो ये पूरा पार्ट, ये सेकेंड इक्वेशन. अब इससे हमें प्रोबेबिलिटी एक्स एम निकालना, मतलब एक्स एम लेस देन एक्स, तो प्रोबेबिलिटी एक्स एम लेस देन एक्स इज बेसिकली इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, दोनों तरफ स्टैंडर्डाइज करें, माइनस अल्फा एन बाय बीटा एन करके मिला. तुम कंफ्यूज क्यों है बोलो, फर्स्ट ये वाला, ठीक है, सो के बाद पूरा, दोनों तरफ में माइनस अल्फा एन बाय बीटा एन कर रहे हैं. अगर अभी भी कंफ्यूजन है, प्रोबेबिलिटी एक्स एम लेस देन इक्वल्स एक्स है ना, तो दोनों तरफ माइनस. अब ये पूरा चीज जो है, प्रोबेबिलिटी एक्स एम माइनस अल्फा एन बाई बीटा एन, ये एक्चुअली तुम लोग का वही है ना, जी वी बन गया, लेस देन एक्स नहीं है, लेस देन एक्स माइनस ये है. तो ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन था पूरा एक्सपोनेंशियल माइनस वन प्लस, वो पूरा उसमें एक्स के जगह ये पूरा लिखोगे, वही किया देखो सेकेंड स्टेप में, एक्स के जगह ये पूरा लिख दिया, ब्रैकेट खोल दिया एलसीएम लेके, लास्ट स्टेप तक आ गए. अब टू रिप्रेजेंट दिस थिंग एग्जैक्टली इन द सिमिलर वे एज द अबव इक्वेशन, हमने क्या किया है,
एक्स तो वैसे ही रखा है, नहीं एलसीएम नहीं, बेसिकली ये जो एक थर्ड पार्ट है ना, माइनस अल्फा एन माइनस बीटा एन अल्फा, ये पूरा को इन्होंने माइनस अल्फा डैश लिख दिया है। सो कैन बी से दैट अल्फा डैश इज बेसिकली अल्फा एन प्लस बीटा एन इनटू अल्फा। सेकंड पेज में वही लिखा है, देख लो। और बीटा बीटा डैशेस नीचे जो, इन लोग को रिप्रेजेंट उसी फॉर्म में करना है। ये जो टिल, हाँ माइनस, अच्छा नहीं माइनस हट जाएगा। तो ये इसी फॉर्म में जिसने आपने स्टार्टिंग में सीडीएफ लिखा उसी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया इसको, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश। सेम यू कैन डू फॉर व्हेन गामा इज नॉट इक्वल टू जीरो, सॉरी इक्वल टू जीरो, ठीक है। देख लो एक बार, क्विकली गो थ्रू करना पेज 19 20, कोई डाउट है तो पूछना। बस उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में सेम तरीके से, बस अल्फा के बदले अल्फा डैश रहेगा। ठीक है, क्लियर? एक बार क्विकली गो थ्रू करके बताओ कोई डाउट है क्या, अच्छे से आराम से गो थ्रू करो। मैम हाउ डू वी फाइंड द गामा, मतलब वैल्यू गामा का? नहीं मैम अल्फा और बीटा तो हम लोग को जनरली डिस्ट्रीब्यूशन में पता होता है लोकेशन, उसके लिए हम लोग गामा कैसे फाइंड करेंगे? ओके कितना बात करेगा तुम लोग, क्या क्या समझना है तुमको, कौन सा पेज? हाँ बोलो। नोट दैट इन बोथ द केसेस अल्फा एंड बीटा पैरामीटर्स अंडरगो द सेम ट्रांसफॉर्मेशंस। हाँ मतलब ऊपर में देखो क्या है, गामा डैश इज इक्वल टू गामा, और गामा डैश इक्वल टू जीरो, मतलब स्टार्टिंग में तुमने क्या लिया था, ऊपर में गामा को कोई एक वैल्यू था क्योंकि इट वाज नॉट, हाँ बट अल्फा बीटा का ट्रांसफॉर्मेशन सेम है, अल्फा एन प्लस बीटा एन इनटू अल्फा, और इधर गामा डैश जीरो, इधर गामा डैश इज इक्वल टू द इनिशियल गामा। एग्जाम में ऐसा गेस मत करना। श्योर? छोटा छोटा है कि नहीं कैसे पता तुमको, है मेरा इसमें है ही नहीं। एक नंबर 740
अच्छा, चार है कि पांच है? अच्छा हाँ, पांच है। हाँ, एक एक दो दो फंक्शंस का है। तो एक काम करते हैं, मतलब अगर तुम लोग को क्यों बंद कर रहा है, खत्म नहीं हुआ है क्लास, 1 o'clock खत्म होगा। तो नहीं, थोड़ा सा जीपीटी करेंगे अभी स्टार्ट हम लोग। नहीं, पेज नंबर 23 तो कल हम लोग पेपर भी स्टार्ट कर सकते हैं ना, इसीलिए। अच्छा रुको, कितना है पहले देखने दो मेरे को। तुम लोग इतना बोलता है ना, मतलब। अच्छा पेज नंबर आ जाओ एक बार, 43 पे, 43 क्वेश्चंस मार्क करो, क्या क्या क्वेश्चन तुम लोगों को करना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 4 का क्वेश्चन नंबर 4 का खाली पार्ट 1 करेंगे एंड 2 करेंगे। ये तुम लोग घर पे आज कर सकते हैं, पूरा जीवी है। तो क्या होगा कि अगर इसमें फिर डाउट है तो मेरे से कल पूछ लेना। तुम लोग को रीड करना है अप टू पेज नंबर 22 एंड तुम लोग को ये सारा क्वेश्चंस करना है। कोई भी कल शुरू का 15 मिनट डाउट सेशन होगा, कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो कल डाउट्स कंप्लीट करेंगे। देन वील मूव टू जनरलाइज्ड परेटो, टुमारो वील फिनिश इट एंड परसों पेपर भी कर लेंगे इसका। तो पेपर भी साथ में खत्म करेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे। फिर मोर्टैलिटी प्रोजेक्शन 2 दिन में खत्म हो जाएगा। सो बेसिकली सैटरडे भी है क्लास। हाँ आएगा। एनी अदर डाउट यू ऑल हैव? चलो ओके, बाय बाय।